तो हेलो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं आपको प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर कैसे नर्सरी को उगाया जाता है और कैसे यहाँ पे केयर की जाती है नर्सरी की। और यहाँ पर कुछ नर्सरी उगाई गई है लाइक जैसे कि फूल गोभी, टमाटर की, मिर्च की। तो चलिए हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये जो वैरायटी लगाई गई है टमाटर की, अर्का रक्षक वैरायटी लगी हुई है। आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो, परफॉर्मेंस यहाँ पे नीचे दिखाई है। यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से की गई। नीचे इसके बेड बनाया गया है पॉलीथीन लगा के, जिससे कि इसमें वाटर होल्डिंग ना हो सके, जिससे कि नर्सरी ख़राब ना हो। और साथ ही साथ इसमें जो है गोबर की खाद, जो आपका वर्मी कंपोस्ट है, उसका यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप नर्सरी देख सकते हैं। अगली जो वैरायटी हमारी लगी हुई है वो है टमाटर की ही अर्का रक्षक, जो कि आप पहले देख चुके हैं। थर्ड जो हमारी वैरायटी है वो है अर्का सम्राट, ठीक है। अर्का सम्राट की आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यहाँ पे नर्सरी उगाई गई है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी आती है वो भी अर्का सम्राट लगाई गई हुई है, ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हो आप। फिर अर्का जो है आभा आपकी लगाई गई हुई है वैरायटी, अर्का आभा, जो कि काफ़ी घनी वैरायटी है। अभी आप देख सकते हो काफ़ी घनी है ये। अभी जो है कम से कम 15 से 20 दिन की परफॉर्मेंस होने वाली है। तो जो आप रोपाई के लिए जो यूज करेंगे वो 25, 30, 40 दिन के करेंगे, ठीक है। और अगली जो है पत्ता गोभी की आपकी BC 90, जो कि अभी बहुत छोटी है वैरायटी, ठीक है। और यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा नर्सरी में डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अगली जो आपकी है फूल गोभी सुहासनी, ठीक है, सुहासनी फूल गोभी की लगाई गई है। इधर आप देख पा रहे हैं अर्का रक्षक लगी हुई है। और नेक्स्ट अगर आप बढ़ेंगे इधर साइड पे, अगर आप आएंगे, अगर इधर देखेंगे तो बैंगन की आपकी लगाई गई है श्लोक वैरायटी, ठीक है। श्लोक वैरायटी बैंगन की आपकी लगाई गई है। और ये जो है मिर्च की लगाई गई हुई है। और आगे जो आपकी आती है अर्का मेघना, जो कि मिर्च की ही वैरायटी लगाई गई है, ठीक है। ये सब एक इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं, जो कि इस टाइम पे क्रॉप लगाई जाती है इसके लिए। और ये भी आपकी मिर्च की ही वैरायटी लगाई है, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, ग्रोथ नहीं की है, ठीक है। आगे जो आती है आपकी शिमला मिर्च की आती है, ये आप देख रहे होंगे शिमला मिर्च की लगाई अतुल्य, ठीक है, अर्का अतुल्य यहाँ पर लगाई गई है। और नेक्स्ट जो है वो भी अर्का अतुल्य लगाई है, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर नहीं है। के तरीके मतलब लाभ और हानि क्या क्या है पॉली हाउस के अंदर अगर आप उगाते हो तो ये रहता है कि हमारी जो मरने की पौध मरने के चांसेस होते हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। और जो हमारी वैरायटी जैसे सीड होता है बहुत कॉस्टली होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉली हाउस के अंदर जब हम पौध को उगाते हैं तो हमारी जो कॉस्टली सीड आया है उसके मरने के चांस कम होते हैं, जिससे क्या होता है हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या फिर हम कह रहे हैं कि नर्सरी उगाने की जो कॉस्ट आती है वो कम आती है। तो इसमें हम एक बेटर क्वालिटी की आप नर्सरी उगा सकते हो इसके अंदर, तो ये हमारा मेन बेनिफिट रहता है इसका। साथ ही साथ जो अगर हम प्रोटेक्टेड फुल्ली कंट्रोल एरिया में करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे कीट वगैरह भी नहीं लगते, जो कि नर्सरी के टाइम पे लग जाते हैं। अगर कोई किसान इसको अगर लगवाना चाहता है तो लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? जो किसान यहाँ पे जैसे लगाना चाहता है, अगर वो पॉली हाउस का स्ट्रक्चर बना के करता है, अगर इतना नहीं है कि वो ज़्यादा एफर्ट कर पाए, तो वो नॉर्मली सा पॉलीथीन को लगा के अपने घर पे भी बांस की सहायता से भी, बैम्बू की सहायता से ये स्ट्रक्चर बना सकता है, उसका सकता है। अगर आपको बेटर क्वालिटी की जो हम ओपन फील्ड में नर्सरी उगाते हैं उससे बेटर रहेगी, जो आप पॉलीथीन लगा के भी उगाओगे। थैंक यू। तो जैसे कि अभी हमारे देवेंद्र भाई साथी ने बताया है कि पॉली हाउस में कैसे हम नर्सरी को उगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पौध में जो क्या होता है बरसात में मरने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो यहाँ पर इस पॉली हाउस में उगाने से ये सबसे बड़ी फायदा है कि बारिश से डायरेक्ट जो पानी पड़ता है उससे बच जाती है और ये सुरक्षित पौध खड़ी रहती है। देखिए आप देख पा रहे हैं जैसे पॉली हाउस की पौध बहुत अच्छे से ग्रो की है। ये पूरा सा दिखा देंगे। ठीक है। साइड पे मिर्च की लगाई गई है। हाँ, इस साइड अधिकतर टमाटर की वैरायटी लगाई गई है, अच्छा परफॉर्मेंस है। और इस साइड जो मिर्च की वैरायटी है, एक जो श्लोक है जो बैगन की वैरायटी है, तो आपने देख लिया है। इसी के साथ धन्यवाद।